हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, क्या आपका भी ब्लूटूथ बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है? आप किसी डिवाइस से उसको पेयर करते हैं तो क्या बार बार वो डिस्कनेक्ट हो जाता है? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखना, जिसमें मैं ब्लूटूथ की कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ आपको कि आप उस सेटिंग्स को अगर कर लेंगे अपने फ़ोन के अंदर तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होने वाली है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं जल्दी से क्या करना है हमें। पहले सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें सर्च बार में टाइप करना होगा ऐप्स। ये देखिए, ऐप्स टाइप करने के बाद कुछ हमारे पास इस तरीके का ऐप खुल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐप्स वाले ऑप्शन पे जाना है। तो मैनेज ऐप्स पे जाना है, ठीक है। मैनेज ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पे सर्च में टाइप करना है आपको ब्लूटूथ। ये देखिए, ब्लूटूथ हमारा निकल करके आ गया है यहाँ पे सामने। इसमें हम जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहली सेटिंग्स आपको क्या करनी है, सबसे पहली सेटिंग आपको यहाँ पे क्लियर डाटा कर देना है। क्लियर कैच, पहले क्लियर कैच करके देख लेना आप। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो क्लियर ऑल डाटा पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो ब्लूटूथ होगा ना, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। इसका वर्जन देख सकते हैं आप ब्लूटूथ का, ब्लूटूथ 11 वर्जन है इसका, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐप परमिशन भी यहाँ पे आपको चेक कर लेनी है एक बारी कि आपने परमिशन किस किस चीज़ की दे रखी है। आपको नीचे ध्यान देना है कि डिनाइड परमिशन में आपको एक भी परमिशन डिनाइड नहीं होनी चाहिए, उससे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इस चीज़ को कर लेंगे आप तो सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली सेटिंग की ओर। तो यहाँ पर हमें फिर से सेटिंग का ऑप्शन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना होगा ब्लूटूथ। ब्लूटूथ टाइप करने के बाद देखिए, नीचे सबसे ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क्स एंड ब्लूटूथ। इस पर हमको टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको रीसेट सेटिंग, आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला, इस पर आप टैप कर देंगे तो हमारी सारी सेटिंग्स जो है ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगी, साथ में ब्लूटूथ भी हो जाएगा। इसको रीसेट करने के बाद आप चाहें तो अपने डिवाइस को एक बार स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप फ्लाइट मोड लगा के थोड़ी देर के लिए फिर उसको ऑन कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या है दोस्तों कि इसका जो है नेटवर्क जो है वो रीसेट हो जाना चाहिए, उसके बाद थोड़ी दिक्कत कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ब्लूटूथ एड्रेस वगैरह भी आ रहा है, आपको ब्लूटूथ एड्रेस जानना तो यहाँ पे सारा चीज़ आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारे वर्जन वगैरह दिखाई दे रहे होंगे आपको, चैनल मॉडल हर चीज़, ठीक है। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो दूसरी सेटिंग में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगली सेटिंग की ओर। अगली सेटिंग के लिए आपको फिर से सेटिंग को ओपन कर लेना है और अबाउट फ़ोन में जाना होगा। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद अपना आप डिवाइस को ज़रूर चेक कर लें कि आपका डिवाइस अपडेट होना चाहिए। ऐसा होता है ना, कई सारे बग्स वगैरह आ जाते हैं जो हमें अपने डिवाइस को अपडेट करने के बाद वो बिल्कुल प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। और दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी सेटिंग्स आप करते हैं उसके बाद आपको फ़ोन एक बार रीस्टार्ट ज़रूर कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आपकी सारी सेटिंग बिल्कुल प्रॉपर सेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर टैप करना होगा MIUI वर्जन पे। हमारा डेवलपर ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। डेवलपर ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, आप सेटिंग में आके स्लाइड करते जाएंगे, एडिशनल सेटिंग आपको दिख रहा होगा नीचे। एडिशनल सेटिंग में हम ओके करेंगे, नीचे हमें डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें कई सारी सेटिंग्स हमारे देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। तो हमें स्लाइड करते रहना है, हमें यहाँ पे ब्लूटूथ ढूंढना है। दोस्तों, आपको जिस सेटिंग्स के बारे में पता नहीं है तो उस सेटिंग को बिल्कुल मत छेड़िएगा, नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी आपके फ़ोन में, ठीक है। यहाँ पे हमें ब्लूटूथ की सेटिंग ढूंढ लेनी है कि हमारी ब्लूटूथ की सेटिंग कहाँ पे। ये देखिए, हमारी ब्लूटूथ की सेटिंग मिल चुकी है। हमारा ऑलरेडी कोई डिवाइस कनेक्ट है तो यहाँ पर उस डिवाइस की सारी रेटिंग्स वगैरह यहाँ पर आ जाएगी। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर विजिबल नहीं होती, जैसे HD साउंड यहाँ पर अभी विजिबल नहीं है, अगर ये मतलब कनेक्ट करने के बाद भी विजिबल नहीं होता है तो आप इसको विजिबल कर दीजिए, क्योंकि इसको ऑन होने का मतलब आपका साउंड जो है बहुत ही क्लियर सुनाई देगा, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर साउंड आएगा आपके डिवाइस में, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये सब सेटिंग करने के बाद आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व होने वाली है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। और भी नई नई सेटिंग्स के साथ मैं अपनी वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि और लोगों के काम आ सके। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और भी नई वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।